रानू मंडल को लेकर अभी तक आपने कई सारी बातें सुनी और पढ़ी होंगी। उनको लेकर रोज कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब रानू ने खुद अपनी जिंदगी के उस राज से पर्दा उठाया है जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। रानू कहती हैं कि मात्र 6 महीने की उम्र में ही वो अपने माता पिता से अलग हो गई थी। उनकी दादी ने ही बड़ी मुश्किलों से उन्हें पाला। जब रानू 20 साल की थी तो उनकी शादी कर दी गई। उन दिनों रानू क्लब में गाकर अपने घर का खर्च चलाती थी। रानू की ये बात उनके ससुरालियों को पसंद नहीं आई। रानू के पति ने उन्हें मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद रानू दर दर की ठोकर खाते हुए मुंबई पहुंच गई। उस अनजान शहर में रानू के सिर पर हाथ रखा बॉलीवुड स्टार फिरोज खान ने। फिरोज खान के घर रानू काम करने लगी। फिरोज रानू का गाना गाकर अक्सर कहते थे कि तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। तब रानू उनकी बात मजाक में टाल देती थी। फिरोज खान के घर रानू की मुलाकात बबलू से हुई और दोनों ने शादी कर ली। एक दिन रानू और बबलू पश्चिम बंगाल आए, लेकिन यहाँ बीमारी के चलते बबलू की मौत हो गई। इसके बाद रानू कभी मुंबई नहीं लौट पाए। रानू ने परेशान होकर भीख मांगना शुरू कर दिया। एक रोज स्टेशन पर एक शख्स ने उनका गाना रिकॉर्ड किया। उस गाने के वायरल होते ही रानू स्टार बन गई। फिरोज खान की वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। आज भी रानू फिरोज की एहसानमंद है। रानू की ये कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से डर जाते हैं और अपने रास्ते छोड़ देते हैं। फिलहाल रानू की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।